Yeah, good morning everyone. Oh, sorry, good afternoon everyone. So in the last class I did talk about the six special formulas, and then we considered their applications, followed by a very important concept referred to as the partial fraction. So partial fraction we already done yesterday. So basic idea was already given ke how to prepare the partial fractions. So let's consider this. So this is the basic table we require. So for a proper rational function, likewise, say in case number 1, 2, जिसमें बताया है, तो आपको क्या करना है? अगर linear factor है x minus a into x minus b, a upon that linear factor x minus a plus b upon x minus b. If there is a repeated linear factor, square है, तो उस केस में ऐसे partial fraction बनेंगे, like this. और अगर वो क्यूबिक होता, ये मैक्सिमम है आपके सीबीएसई में लेवल में, यहां तक वो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सटेंड हो जाता है. अगर तीन लीनियर फैक्टर है, सेम आइडिया, एक्सटेंड लाइक ऐसे हो जाएगा. फोर्थ के अंदर मिक्सचर है ऊपर जो भी किया, अगर रिपीटेड फैक्टर है उसकी वजह से ये आ गया, और नॉन रिपीटेड की वजह से ये आ गया c अपॉन एक्स माइनस बी. और अगर आपके पास एक ऐसा फैक्टर प्रेजेंट है विच इज नॉन फैक्टराइजेबल, उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन ये बन जाता है, ऊपर इंस्टेड ऑफ अ कॉन्स्टेंट इट विल बिकम बी एक्स प्लस सी. दैट द बेसिक फंडामेंटल आइडिया व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. ओके, तो अब ये भी हमने कुछ देखा था पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं. कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ द सेम इन इंटीग्रेशन. तो यहां तक हम सब देख चुके थे, ये मैंने आपको होमवर्क में कहा था इस शीट को देखने के लिए. सो कंसीडर एक्सरसाइज 7.5. Check this out. X upon x plus 1 into x plus 2. क्योंकि ये दोनों linear factor हैं, ये पहला step समझ आ जाना चाहिए. Complete इसे. और अब हम integral का sign अभी नहीं लगा रहे हैं. आप x upon x plus 1 into x plus 2 को लिख देंगे a upon x plus 1 upon plus b upon x plus 2. This is obvious कि x cannot be minus 1, x cannot be minus 2. After first step, you just take the LCM. Normal way में ये देखिए, ये LCM लिया और फिर नीचे वाला factor cancel, compare करा numerators को दोनों के, तो इस step तक हम आ गए. Open the bracket and combine like terms. तो x का coefficient अलग कर दो, constant अलग कर दो, और वो कंपेयर हो रहा है विद x ओनली. तो x को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 0 इनटू कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे तो कांस्टेंट क्या है, एक्चुअली 2a प्लस b, और RHS में इट्स ओनली 0. तो a प्लस b, x का कोफिशिएंट जो कि यहां 1 है, वो 1 के इक्वल आ गया, 2a प्लस b आ गया 0 के इक्वल, क्योंकि LHS में कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए वो जीरो हो गया. सॉल्व दिस टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कोई भी मेथड लगा लो 10th क्लास का, हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी. वंस आई हैव द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वो मैं फर्स्ट जो मैंने ये माना था उसमें पुट कर दिया, ए की जगह माइनस वन एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय 2. Now I had to integrate this, means I will have to integrate this. वो बात एक ही है, तो आपने इसे रख दिया अपने क्वेश्चन में, तो इंटीग्रल ये बन गया, और इसे इंटीग्रेट करना इन अ सिंगल स्टेप आप कर देंगे. 1 ओवर x का इंटीग्रल log x होता है, तो दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, प्लस c, योर आंसर.
देयर इज अनदर ऑल्टरनेटिव मेथड ऑल्सो जिसकी हेल्प से हम यहाँ ए और बी लॉजिकली निकाल सकते हैं. Conceptually, some of the books, authors, teachers, they say that the method is wrong, but उसके लिए करने के लिए हम उसे इसलिए fair में show ही नहीं करेंगे to avoid any kind of ambiguity. आप उसे rough में show करने वाले हैं. देखिए वो कैसे work करेगा. आपने ये equation लिख दी थी, यहां तक तो आपको पहुंचना ही है ये equation तक. और अब क्या करिए, इस फैक्टर को देखो, x प्लस वन, उसे देखकर x आ गया माइनस वन. मीन इफ आई इक्वेट दैट टू जीरो, x आ गया माइनस वन और एक आ गया x माइनस टू. इस इक्वेशन में एक बार x को माइनस वन रख दो और एक बार माइनस टू रख दो. आपको a और b की वैल्यू सिंगल स्टेप में मिल जाएगी. So this is purely your choice. आप proper method से चलना चाहते हैं या एक hit and trial approach जिसको कहा जाए उसे use करना चाहते हैं. So check कीजिए. अब जैसे ये questions आपके partial fraction based रहेंगे तो ये बाद में फिर हमने इसे discuss किया रहा होगा. तो मैं बात करता हूँ, जैसे आपके पास ये वाला question है, first one. Let me create a copy of this. राइट तो अब मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूं और आई एम टेकिंग से दी फर्स्ट क्वेश्चन ओनली. तो हाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसे इंटीग्रेट करना है. तो एक तो ये आई के इक्वल कह दिया और डिग्री ऊपर की नीचे से कम है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, पुट 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स. लीनियर फैक्टर्स हैं तीनों, तो सिंपली a अपॉन x माइनस वन, फिर प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन. नेक्स्ट, अब हमारा पर्पस है a b c की वैल्यू निकालना. तो ऑफकोर्स उसके लिए आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम. यहां क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू, अब ये तो नॉर्मल एलसीएम ले रहा हूं, और c के साथ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू. चेक इट आउट, ये इसके इक्वल चल रहा था. तो बस अब आप जब कंपेयर करेंगे ये और ये कैंसल, सो 2x माइनस 1 आ गया. मैं यहां पर ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x एंड देन माइनस 6. व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, प्लस b के साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड देन प्लस 3, और c के साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया है. अब कंबाइन दी लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स में भी अगर आप ध्यान से नोटिस करें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या मिलने वाला है. एक्स स्क्वायर यहां है, यहां है और यहां है. तो क्लियरली a सेकेंड वाली टर्म से b और थर्ड से c. फिर अब मैं देखता हूं x स्क्वायर का कॉफिशियंट है. अब देखते हैं कि x का कॉफिशियंट क्या आया है. फर्स्ट वाली टर्म से x का कॉफिशियंट माइनस a हो गया, नेक्स्ट से x का कॉफिशियंट विल बी माइनस 4b और थर्ड वाले से प्लस c. और फाइनली अब रह चुका है कांस्टेंट लिखना. तो आई एम श्योर यू ऑल कैन राइट इट इजीली.
माइनस सिक्स ए प्लस थ्री बी माइनस टू सी, एनी डाउट टू एनीवन? कंपेयर करिए एलएचएस में, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है ये, यहां पर अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट की बात करूं तो वो तो जीरो है एलएचएस में, तो कंपेयरिंग से आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो फर्स्ट इक्वेशन, माइनस ए माइनस फोर बी प्लस सी एक्स का कोफिशियंट है और वो टू के इक्वल है, और थर्ड इक्वेशन आ गई माइनस सिक्स ए प्लस थ्री बी माइनस टू सी एंड कॉन्स्टेंट रहा था माइनस वन. सो यू हैव थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स. वी कॉल मैट्रिक्स एलजेब्रा, डिटरमिनेंट्स की हेल्प से हमने इनका सॉल्यूशन निकालना सीखा हुआ है, बट दैट इज एट द सेम टाइम गोइंग टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव. अगर मैं इन तीन इक्वेशन को तीन वेरिएबल्स में सॉल्व करने लग जाऊं तो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा. सो आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आपने ए बी सी किस तरह से निकाले हैं वो एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है, ये सीबीएसई की गाइडलाइन बता रहा हूं. तो आपको सिर्फ ए बी सी की वैल्यू यहां लिखनी है. सॉल्विंग के बाद हाउ यू आर गेटिंग एबीसी, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. नाउ अब मैं बात करता हूं उस शॉर्टकट की जो मैंने आपको कहा था जब आप यूज करेंगे. लुक एट दिस, मैं कलर इसका अलग से हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए. सो ये हमने यहां तक पहुंच गए थे, ये वाला स्टेप नीचे से तो वो कैंसल हो गया डिनोमिनेटर, फोकस ऑन दिस ओनली. So 2x माइनस 1 इसके इक्वल है. तो अब आप क्या करिए, स्टार्ट पुटिंग, क्या क्या स्टार्ट कर दो पुट करना, एक बार x को 1 इसे देखकर, एक बार x को आप पुट कर दीजिए माइनस 2 और एक बार x को पुट कर दीजिए 3. आई होप दिस इज क्लियर कि क्या सब्स्टिट्यूट क्यों पुट कर रहे हैं. इन तीनों लीनियर फैक्टर्स को आपने जीरो के इक्वेट मान लिया, बट मैंने फिर बता दिया एक्चुअली देखा जाए कॉन्सेप्चुअली एक्स वन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर मैं एक्स को वन पुट यहां कर दूंगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा. इसीलिए मेनी ऑफ दी टीचर्स डू नॉट एग्री विद दिस अप्रोच कि भाई ये गलत है एक्स को वन पुट करना. बट एट द सेम टाइम याद रखिए, मैं एक्स को वन यहां नहीं पुट कर रहा हूं, मैं x को 1 यहां पुट कर रहा हूं और इसमें x कैन बी 1, बट अगेन एम्बिग्विटी रहे, कंफ्यूजन रहे, इसीलिए उसको हम अवॉइड ही करते हैं और हम सिंपल रूल फॉलो करते हैं. आप इसे रफ वर्क में करके दिखा रहे हैं, बस मेन ये चीज है. अब आप जरा x को 1 रखना, LHS में कितना आ जाएगा, ये LHS में 1 रख दिया. RHS में जब आप 1 रखेंगे, नोट केयरफुली, RHS में मैं x की जगह 1 रख रहा हूं, तो 1 माइनस 3. नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, जब मैं यहां 1 रखूंगा और यहां 1 रखूंगा, दे विल ऑब्वियसली बिकम 0. और अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 आ गया 1 और वो किसके इक्वल आ गया, a इंटू 3 इंटू माइनस 2, which gives me the value of a as minus 1/6. इससे easy method नहीं possible हो सकता, ये याद रखिए. अगर आप direct solution करने लग गए, that is very tedious. तो इस approach को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एक बार ये समझ आ गई, फिर जो अलग type के questions follow होंगे, वो आप easily कर पाएंगे. तो आगे फर्दर क्वेश्चंस में मैं ये सब कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ हम पहले दो तीन स्टेप्स पे ही फोकस करेंगे. सो c इज इक्वल टू -5/2. ओके, चलो मैं पहले x को -2 रख रहा हूं, सेकंड इक्वेशन में रखा, तो चेक करिए क्या आ जाएगा, x की जगह जब -2 रखा, ये
और माइनस टू रखते ही सोचिए ये फैक्टर खत्म और ये लास्ट वाला फैक्टर खत्म, नेचुरली मुझे बी की वैल्यू मिलने वाली है, तो मैं सिर्फ बी वाला फैक्टर लिख रहा हूं और मैंने एक्स की जगह पुट करा है माइनस टू, माइनस टू पुट कर दिया और कितना आ गया, माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव, और इधर बी के साथ आ गया माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव, माइनस फाइव कैंसल, बी इज माइनस वन बाय थ्री, और फिर फाइनली x को हम पुट कर देते हैं 3 के इक्वल, कहां पुट कर रहे हैं याद रखिए, यहां x को 3 रखा, 2 इंटू थ्री माइनस वन, और जब अब मैं x को 3 पुट करूंगा ये खत्म, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर खत्म, सिर्फ c वाले में रखता हूं x को 3, x को 3 रखा, सो 5 और ये 2 इंटू फाइव, सो c कितना आ गया 1/2, आई डोंट नो क्या आपने बताया था c Sir, की वैल्यू कमिंग आउट टू बी -5/2, वेयर, एक मिनट, c में मैंने x की जगह 3 पुट करा है तो यहां LHS में तो 5 ही आएगा, और जब मैंने 3 पुट करा 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 2 5, तो 2 c 1/2 ही आ रहा है, चेक करिए अपने कैलकुलेशन। सो वंस आई हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ ABC, मैंने फिर वो बता रहा हूं ये सब कुछ मेरा रफ वर्क है, ये मेरा रफ वर्क में मैं कर रहा हूं, बट ठीक है आप आंसर शीट में RHS राइट साइड में लाइन ड्रॉ करके दिखा दीजिए ये। वंस यू हैव द वैल्यूज ऑफ ABC विद यू, इसके बाद सोचिए आपका इंटीग्रल क्या बन गया, यहां ए बी सी की वैल्यूज रख देंगे और कितना आ गया ए की वैल्यू रखकर -1/6 है, तो -1/6 टाइम्स ये आ गया 1/(x-1), बी की जगह -1/3 रखा और यहां x+2 एज इट इज, और फिर सी की जगह 1/2 और x-3, आपको इसे ही तो इंटीग्रेट करना है बेसिकली, इसे इंटीग्रेट करने का मतलब इसे इंटीग्रेट करना है, और आपने एबीसी की वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया और इसका फाइनल आंसर सिंगल स्टेप में है, ये कांस्टेंट बाहर आ गया और 1/x का इंटीग्रल लॉग x हो गया। प्लस सी योर रिक्वायर्ड आंसर, हम लॉग की प्रॉपर्टी से इसको थोड़ा और आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट जनरली दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, सो चेक दिस आउट, कंसीडर से दिस क्वेश्चन, अब इसे मान लीजिए मैं रैंडमली ले रहा हूं, इसे हमें सॉल्व करना है, तो इंटीग्रल ये है, हाउ शुड वी स्टार्ट, एक तो देखो ये विद प्रैक्टिस आपका आइडेंटिफिकेशन बनेगा के ये पार्शियल फ्रैक्शन में है, और कैसे, a अपॉन लीनियर का तो आ गया x+2, अब कितना आएगा इसके साथ, क्या आएगा, एनीवन, सोचिए ध्यान से,
बीएक्स प्लस सी। यस गुड, आप चेक करिए ये अब आपके पास नॉन फैक्टराइजेबल फैक्टर हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस फोर के रियल डोमेन में यू कैन नॉट फैक्टराइज, तो वो ये आ गया। एक बार ये लिखा गया उसके बाद तो आपको पता है नॉर्मल अप्रोच एलसीएम, सो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस एक्स प्लस टू के साथ आ गया बी एक्स प्लस सी, दोनों के न्यूमरेटर्स को मैं इक्वेट करके लिख देता हूं, सो इट इज गुड प्रैक्टिस अगर मैं एक इसको अलग से हाईलाइट करके रख लूं, क्योंकि एबीसी निकालने में एक तो मैं इसका यूज करने वाला हूं, बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप ना कम से कम वो एबीसी की इक्वेशंस तो लिख दीजिए, ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में सारी निकाल के दिखाई थी, हार्डली इट विल टेक यूर वन मिनट। वो क्या है देखो, ओपन द ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस टू सी, लाइक टर्म्स कंबाइन करके दिखा दो, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट ए प्लस बी आ गया, कॉन्स्टेंट एक्स का कॉफिशियंट सी प्लस टू बी आ गया, और फाइनली कॉन्स्टेंट क्या है फोर ए प्लस टू सी। कंपेयर करा ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट एलएचएस में देखो है ही नहीं, जीरो, सी प्लस टू बी अगेन वो भी जीरो एक्स का कॉफिशियंट, और कांस्टेंट है 4a प्लस 2c और वो 8 के इक्वल आ रहा है, तो तीन इक्वेशन आ गई मेरे पास तीन वेरिएबल में। इफ यू फाइंड के इक्वेशंस थोड़ी कंपैरेटिवली इजी हैं, आप यहां पर भी इन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर अब आप कोई बता सकता है कि आपको x की क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए, मेरा रफ वर्क जो होने वाला है, What value should I substitute in this equation? ये इसमें क्या put करूं? Anyone? Plus two and minus two. No. आप चेक करो x plus two है ये linear factor, इसे zero करा x आ जाएगा minus two. तो x को minus two, but एक्स स्क्वायर प्लस फोर आप इसे फैक्टराइज ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे कोई और x की वैल्यू नहीं मिलेगी यहां पर। तो कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला बात, इस फैक्टर को देखकर एटलीस्ट आई विल पुट x को माइनस टू, कहां रखना है यहां पर, तो रखिए क्या आ जाएगा, x की जगह मैंने रख दिया माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4, 8 आ गया। अगला फैक्टर क्लियर आपके सामने ही है, यहां रखते ही 0 हो जाएगा और a की वैल्यू सिंपली 1 आ गई। थिंक लॉजिकली, अगर मुझे एक भी वैल्यू मिल गई है a इक्वल टू 1, वो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो a की जगह 1 रख दिया, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ b, कितना आ गया माइनस 1। पर्पस मुझे एबीसी चाहिए, और फिर सेकंड इक्वेशन में बी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं माइनस वन, तो इससे सी कितना आ गया टू के इक्वल। सो विच एवर मेथड यू फॉलो, यू जस्ट रिक्वायर्ड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, तो ए वन आ गया वो तो हिट एंड ट्रायल से, और बी और सी आपने इन इक्वेशंस का यूज उठा के लिख दिया। Once I have the values of ABC with me, बस अब तो इंटीग्रल सोचो क्या बनेगा, आप यहां पर ABC की values replace कर दीजिए, तो A की जगह 1 आ गया, और फिर BX plus C का मतलब B is minus 1, तो minus X plus C की जगह 2 रख दिया upon X square plus 4,
हाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस नाउ. अब चेक करो, बहुत इजी बन चुका है ये एज इट इज. अलग अलग कर रहा हूं, माइनस एक्स के साथ ये वाला इंटीग्रल अलग कर दिया, और टू के साथ फिर ये इंटीग्रल अलग कर दिया. तीनों इंटीग्रल करने अब आपको आते हैं. हाउ कम यू कैन इंटीग्रेट इट इजीली नाउ? फर्स्ट इंटीग्रल तो सीधा log ऑफ x प्लस टू हो गया. सेकेंड इंटीग्रल के लिए देखिए विद प्रैक्टिस बन जाना चाहिए अब तक. टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो. नीचे वाले को अब अगर मैं टी पुट करूंगा, ऊपर डेरिवेटिव है तो log वाला बन गया dt टी बाई टी का मतलब log t. ये आ गया सेकेंड का इंटीग्रल. थर्ड का इंटीग्रल की जब बात करो, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज 1 बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी. अगर आपको सॉल्व होता है तो कर दीजिए, नहीं तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. सोचिए इसे, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट. आपके सामने स्क्रीन पर अभी रख ही रहा हूं इसे. So, अब जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उसका मतलब जो आपने पीछे इंटीग्रल्स के मेथड सीख लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट फार्मूला और वो जो सिक्स फार्मूलाज हैं, अब उनकी ही एप्लीकेशंस बेस स्टार्ट हो चुका है. तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई पार्शियल फ्रैक्शन, एंड देन लास्ट स्टेप इन केस ऑफ इंटीग्रेशन वो अब आपको पिछले रूल्स को फॉलो करना होगा. सो फॉर अ टाइम बींग अभी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग, ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं. मैं एक इस क्वेश्चन को पहले दिखाना चाहूंगा. एवरीवन प्लीज चेक दिस आउट. टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री. अब एक ऑब्जर्वेशन आपके पास, एक्स स्क्वायर अगर मैं एक्स स्क्वायर को ही टी पुट कर दूं, ऊपर डेरिवेटिव डायरेक्ट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री. और टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, देखते ही पता चल रहा है. आप इसको ऐसे लिखेंगे क्या, ए अपॉन t प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस थ्री. यूजुअल मेथड, गेट ए एंड बी, सॉल्व करके देख लेना, a आ रहा है हाफ और b आ रहा है माइनस हाफ. वो वैल्यू उसको पुट करा और फॉलोड बाय द सिंपल इंटीग्रेशन. अब मैं इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं. एवरीवन फोकस ओवर हेयर. इफ यू आर गिवन विद द लीनियर फैक्टर्स लाइक दिस, तो आप क्या करो, आप अभी इन्हें अलग करके ऐसे लिख दो लाइक दिस. और जब आप सोचिए अब इनका एलसीएम लेंगे, ऊपर टी से टी कैंसिल कब होगा, जब बीच में माइनस का साइन होगा, मैंने माइनस लगा दिया. बट व्हेन आई टेक द एलसीएम,
क्या होगा, t प्लस थ्री ऊपर आ गया और फिर t प्लस वन आ गया नीचे, ऐसे ये आ जाएगा। t से t कैंसल, बट एक्स्ट्रा क्या आ चुका है, टू इज एक्स्ट्रा, थ्री माइनस वन टू, टू एक्स्ट्रा आ गया। बैलेंस करने के लिए टू से डिवाइड कर दो, सो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन आपके बन गए। आपको ए और बी लिखना, उनकी इक्वेशंस को बनाना, वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यू विल गेट द पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली इन अ सिंगल स्टेप। चलिए लेट मी कंसीडर अनदर एग्जांपल, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। पहले मैं इजी वाला एक और केस ले रहा हूं। मान लो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस सेवन, समथिंग लाइक दिस, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। जो रूल मैंने बताया उसे समझो ध्यान से, दोनों लीनियर हैं, इन्हें सेपरेट करके लिख दो। माइनस पक्का आएगा ही आएगा, माइनस डाल दो बीच में। और सोचो जब आप एलसीएम लेते तब क्या होता, एक्स माइनस सेवन और ऊपर आता माइनस एक्स माइनस टू, एक्स्ट्रा कितना आ गया, माइनस नाइन। माइनस नाइन से डिवाइड कर दो एंड योर पार्शियल फ्रैक्शंस आर रेडी। नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस इन अ सिंगल स्टेप। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन को भी अगर हम सरपास करना चाहते हैं और इजी वे में सोचना चाहते हैं, सो दैट वे यू कैन ऑलवेज डू। ये लॉग ए माइनस लॉग बी है, वो log a by b हो जाएगा। योर आंसर, एक और देखते हैं शॉर्टकट में ऐसे ही। वन अपॉन x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस सिक्स, समथिंग लाइक दिस, इसे इंटीग्रेट करना है। अभी मैं वही बता रहा हूं, जब सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, अगर तीन फैक्टर होंगे दिस शॉर्टकट इज नॉट एप्लीकेबल, ये याद रखिए। तो यहां क्या करूंगा, क्विकली देखिए, ये सेपरेट देम, पुट माइनस इनसाइड, और जब आप एलसीएम लोगे, एनीवन, क्या चीज करनी पड़ेगी, किस फैक्टर से डिवाइड करना रहेगा, तो थ्री नाइन। गुड, सोचो भाई हुआ क्या, ये एलसीएम गया ऊपर, एक्स प्लस सिक्स ऊपर आ गया, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा एक्स माइनस थ्री, बस इसे सॉल्व कर लो, नाइन आ गया। तो नाइन से मल्टीप्लाई हुआ था, तो बैलेंस करने के लिए नाइन से डिवाइड कर दिया एंड यू कैन इंटीग्रेट दिस इजीली। अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें स्किप हो गए हैं पीछे, जो मुझे पहले लेने चाहिए, तो लेट मी डू क्विकली वन थिंग, मैं उन्हें पहले लाता हूं। सो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस एंड मैं रैंडमली अपने आप ही यहां अभी क्वेश्चन लूंगा। तो चेक दिस आउट, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसे इंटीग्रेट करना है, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। चेक आउट दिस क्वेश्चन, एक तो ऊपर की डिग्री नीचे से कम है, आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट, ऊपर की डिग्री वन है और नीचे की थ्री है, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसके क्या बनेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस वन, ये तो लीनियर की इसका, और अगर कोई लीनियर फैक्टर
दो बार आ रहा है, तो b अपॉन x प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ये आपको कहां से ध्यान रहेगा, जब आपके पास ये टेबल याद है कि अगर आपके पास कोई भी फैक्टर रिपीटेड आया है तो उससे पार्शियल फ्रैक्शन ये बन जाता है। ये फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप ये स्टेप लिख पाएंगे। वंस दिस इज डन, इसके बाद देखो यूजुअल मेथड टू फॉलो, टेक द एलसीएम। आई एम श्योर एलसीएम आप सभी को पता है, इसका ये आने वाला है, तो यहां क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। एंड आई एम शेयरिंग अ ट्रू फैक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये एलसीएम भी नहीं ले पा रहे हैं, मे बी आप कर पाए, बट ऑब्जर्व दिस स्टेप केयरफुली, क्योंकि अगर यही एलसीएम लेने में गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गया। तो आई एम श्योर आपको क्लियर है किस तरह से एलसीएम लिया जाता है इस तरह के केस में। वंस द एलसीएम इज टेकन, बस अब मैं न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर देता हूं, तो 2x प्लस 1 कितना आ गया, a इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन। और ये वो इक्वेशन है जिसे मैं एक्चुअल में abc निकालने के लिए यूज करने वाला हूं, सो लेट मी हाईलाइट दिस फॉर माय रेफरेंस। आप एग्जाम में भी बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसके बाद अब आपको क्या करना है, गेट दोज थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, और वो करने के लिए यूजुअल मेथड, ओपन दी ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसे यहां मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या आने वाला है, सोचे जरा ध्यान से, व्हाट विल बी द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिर्फ इन दोनों टर्म से मिलेगा ए प्लस बी। नेक्स्ट एक्स का कोफिशियंट अगर ध्यान से देखें, फोर ए प्लस बी प्लस वन, वन माने यहां से आ गया एक्स का कोफिशियंट, ओ सॉरी यहां सी भी तो था, मैं वही कहूं ये वन तो आ ही नहीं सकता, यहां सी है साथ में तो यहां प्लस सी आएगा। और फाइनली कांस्टेंट का कोफिशियंट क्या आ गया, कांस्टेंट क्या आ रहा है, फोर ए कॉन्स्टेंट बताइए माइनस टू बी एंड माइनस सी। सिंपल ओपन द ब्रैकेट, कंबाइन लाइक टर्म्स, और उसके बाद जब आप कोफिशियंट्स को कंपेयर करेंगे ए प्लस बी के साथ, यहां एक स्क्वायर है, मैं से कोई पॉइंट आउट नहीं करता अगर कोई लिखने में गलती भी हो जाए, ये आ गया एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए प्लस बी, और वो है एलएचएस से कंपेयर करो वो तो मिसिंग ही है यहां पर, तो जीरो, फोर ए प्लस बी प्लस सी, एक्स का कोफिशियंट वो टू के इक्वल है, और फोर ए माइनस टू बी माइनस सी कॉन्स्टेंट वो वन के इक्वल है, ये रहा। So solving these two equations, I will get the value of a, b and c. एक बार वो जरा मैं चेक कर लेता हूं, रफ वर्क है ये मेरा, फिर जैसे बताया है कैसे करेंगे। एनीवन क्या पुट करें x की वैल्यू,
माइनस टू प्लस वन। यस गुड। अब इसे देखकर एक बार तो एक एक स्टेप चलते हैं, वन पुट कर देता हूं कहां, इस वाले बॉक्स में ग्रीन में। तो एक्स को वन पुट करते ही प्रैक्टिस बन जाए ना तो जल्दी लिख पाएंगे। वन रखा, टू प्लस वन थ्री, और एक्स को वन रखा, वन प्लस टू थ्री का होल स्क्वायर नाइन आ गया। और आप सोच के देखिए, यहां वन रखोगे, यहां वन रखोगे, ये तो जीरो ही हो जाएगा। इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ ए जस्ट इन 5 seconds। ए आ गया 1/3। अब आपकी चॉइस है, आप ए को अगर 1/3 फर्स्ट में पुट कर दो, आपको पता चल रहा है बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। और ए और बी की वैल्यू यहां पुट कर दो, सी की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं तो एक्स को मैंने एक बार फिर से -2 पुट कर दिया, और अब -2 पुट करा तो क्या आ जाएगा, 2 × -2 + 1। और -2 पुट करूंगा, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो आई जस्ट नीड टू पुट इन लास्ट एक्स की जगह -2, और ये कितना आ गया, -3, -3c, और सी सिंपली आ गया 1। बी मैंने लॉजिक से ऊपर से निकाल लिया, तो बस एम था एबीसी की वैल्यूज मेरे पास आ जाएं। वंस आई हैव द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, इंटीग्रल देखो क्या बनेगा। यहां वैल्यूज रख दीजिए एबीसी की, 1/3 ए रख दिया, बी रख दिया -1/3, और सी है आपका 1। नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस इन अ सिंगल स्टेप। कैसे, 1/3 log x माइनस वन, नेक्स्ट इंटीग्रल 1/3 log x प्लस टू, और थर्ड इंटीग्रल 1/x² का इंटीग्रल होता है -1/x + c। फर्स्ट टू अगर आप चाहो तो कंबाइन कर सकते हो, 1/3 कॉमन, और log a माइनस log b का फार्मूला लगा दिया। This will be your final required answer. So, from your NCERT textbook, first, कम से कम जहां तक मुझे याद है 10-12 questions तक कर सकते हैं या उससे ज्यादा। सो एक्सरसाइज 7.5, डू एट लीस्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस इन योर होमवर्क। एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। Ahan was not here, Achinte was not here, Bhanu is not here, Chahat not here, Gitanjali not here, Kanak not here, Lavish not here, Mithali is not here, Siddharth is not here, Tanisha and Sandeep, they are not here. I'm sure baki sabhi present hain jinke naam nahi bole hain. चलिए, यू कैन लीव द क्लास नाउ। पायल एंड आयुष, यस प्लीज लीव द क्लास।